संभल की चंदौसी में नगर पालिका परिषद ने पॉलीथिन के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया। पॉलीथिन मिलने पर दुकानदारों से जुर्माना भी वसूल किया। जनपद संभल की चंदौसी में नगर पालिका परिषद ने आज शहर में पॉलीथिन के विरुद्ध दुकान पर चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें दुकानदारों में हड़कंप मच गया। इस दौरान नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों ने पॉलीथिन पाए जाने पर दुकानों से पॉलीथिन जब्त की तथा उनसे जुर्माना भी वसूल किया। इस विषय में नगर पालिका परिषद की सैनिटरी इंस्पेक्टर प्रियंका सिंह ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुसार शहर को पॉलीथिन मुक्त करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को वार्निंग दी, आपकी रसीद कट चुकी है कई बार, उसके बावजूद भी आप पॉलीथिन रखते हैं, क्यों रख रहे हैं आप? फैक्ट्री बंद करवा पाओगे ना? फैक्ट्री बांधे बंद होगी, पहले आप लोग रखनी बंद करें। जब आप खरीदेंगे फैक्ट्री खुद बंद हो जाएगी। जब आप लोग नहीं खरीदेंगे फैक्ट्री अपना बंद हो जाएगी। आप लोग क्यों खरीद रहे हैं? देखिए सभी कुछ आपके जीवन को, हमारे जीवन को, सभी के जीवन को नुकसान है। आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करें और स्वच्छता पे ध्यान दें, इससे बहुत प्रदूषण हो रहा है। मैडम, अभी आपने पॉलीथीन अभियान चलाया जिसमें कई लोगों पे आपने जुर्माना डाला है, थैली उनके पास मिली है, इसमें क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि शासन आदेश है और हाईकोर्ट का भी आदेश है और हमारे डीएम साहब का भी आदेश है कि पॉलीथीन का जब्तीकरण शहर में पूर्णतः बंद कराना है, जिस पर हम लोग निरंतर लगातार प्रयासरत हैं कि शहर को पॉलीथीन मुक्त कराया जाए और बार बार पब्लिक को जागरूक भी किया जा रहा है। लेकिन दिक्कत है कि जो है पब्लिक थोड़ा अवेयरनेस की कमी है और सपोर्ट नहीं कर रहे हैं लोग कि जो है पॉलीथीन को पूर्णतः बंद कराया जाए, जिससे हम चंदौसी को पॉलीथीन मुक्त करा सकें। जैसे कि दुकानदारों को आपने दो तो तीन तीन बार वार्निंग दे चुकी हैं, आप जागरूक कर चुकी हैं, उसके बावजूद भी इनके यहाँ तीन तीन चार चार बार पॉलीथीन पकड़े गए, तो ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती? ऐसा ही है कि अगर दो या मतलब शासन का मतलब आदेश तो यही है कि दो बार से अगर ज़्यादा पॉलीथीन पकड़ी जाती है दो बार वार्निंग के बाद, तो उनकी सीधी FIR कराई जाए। पर ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं कि अगर अब दो बार से ज़्यादा अगर किसी की भी तीसरी बार पकड़ी जाएगी तो उसकी सीधी FIR ही कराई जाएगी।